नमस्कार। न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि बिहार में सब मदरसाओं को बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स अपॉइंट की हैं मदरसाओं को प्रोब करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उनका मानना है कि बहुत अवैध पैसा कई हजार मदरसाओं को उत्तर प्रदेश में आता है, जिससे टेररिज्म या फिर अलगाववाद के किस्म के आइडियाज पनप रहे हैं हिंदुस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। पिछले कई सालों से अलग अलग किस्म के हमको इस्लामोफोबिक ट्रेडिशंस और एक्सप्रेशंस की गूंज सुनाई देती है, जैसे जैसे संघ परिवार की राजनीति ने जोर पकड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मदरसा हमेशा से ऐसे थे? सवाल ये भी है कि मदरसा कहाँ से आए, उनमें कौन जाते हैं, वो उनको क्यों बनाया गया था। इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 9/11 के बाद से दुनिया भर में एक तरह का माहौल बन गया कि मदरसा माने टेररिज्म का गढ़। हिंदुस्तान में भी यही मतलब निकाला जा रहा है और ये बार बार बोला जा रहा है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करेंगे अभय कुमार, जो पत्रकार हैं, हमारे युवा साथी हैं। इन्होंने बहुत शोध और अध्ययन किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, पीएचडी भी की है और पत्रकारिता में अलग अलग जगह लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अभय भाई, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत ही शुक्रिया। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम नए लोगों को भी अपने कार्यक्रम में लाएं, युवा लोगों को भी अपने कार्यक्रम में लाएं, उनकी आवाज सुने, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि चीजों को कई दशकों से देखते आने के चलते हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, खासतौर से मेरे जनरेशन का जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी स्टेलनेस आ जाए। आपने अभी आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद आपने इस चीज को पूरा समझाया कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में मदरसाओं ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। और मैंने जेएनयू में पीएचडी जो मेरी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर है, तो मैंने एमफिल में भी और पीएचडी में भी जो मुसलमानों के मॉडर्न पीरियड में जो मसाइल थे उन्हीं के बारे में मैंने पढ़ा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी के जो एमपी हैं बिहार से और जो मिनिस्टर हैं मोदी जी की सरकार में, गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उनका अवैध निर्माण हो रहा है, वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो सामाजिक न्याय की सरकार जो बिहार में है, वो चुप्पी साधे हुई है। और उनका मतलब ये था कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदू समाज के ऊपर और देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक इंसाफ की पार्टियां हैं, वो चुप्पी साधे हुई है। जब मुझे ये बयान सुनने को मिला तो मुझे तकलीफ भी हुई और मुझे हैरत भी नहीं हुई सर, क्योंकि इस तरह के जो बयानात हैं वो आपको बीजेपी आरएसएस के तरफ से एक लंबे समय से आते रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा थोड़ी देर पहले कि ये सारी चीजें जो है वो इस्लामोफोबिया, मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा, समाज को बुनियाद पर बांटना और जो हमारी एक कंपोजिट कल्चर जो हमारी हिंदुस्तान की रही है, उस विरासत को मिटा के देश को एक रंग में, एक धर्म में और एक नफरत में उसको बदलने की पूरी साजिश है। मगर इतिहास के, हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं बतलाना चाहता हूं बीजेपी के लीडरों को कि आप अगर महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि देश के सबसे बड़े लीडर हैं, और मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उनको प्रेरणा, उनको इंस्पिरेशन महात्मा गांधी जी को से मिली,
तो ये वो भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी जी की का जो आंदोलन था उस आंदोलन को समझने के लिए हमें खिलाफत आंदोलन, खिलाफत तहरीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद और जमीयते उलमा हिंद को बगैर समझे हुए हम गांधी जी को नहीं समझ सकते हैं। जो ये क्या कर रहे हैं, अपनी ही विरासत को भूल जा रहे हैं और वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में बनने के लिए समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। दरअसल वो शायद उनकी विरासत नहीं है, क्योंकि उनके विरासत में तो नाथूराम गोडसे हैं, उनके विरासत में तो विनायक दामोदर सावरकर हैं। तो उसके बारे में वो क्या किस चीज को अपने अंदर मतलब एक तरह से खींच के ले आते हैं अपनी राजनीति के अंदर, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में मदरसाओं का क्या रोल था। हम अगर हम इतिहास के बारे में, आपने इतिहास का याद दिलाया, कई चीजों को पढ़ें अगर, तो हमको एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। एक तो ये कि 1857 की जो लड़ाई थी, दिल्ली की ही बात अगर हम लोग करें, तो दिल्ली में जो उस दौर में जो पूरी तरह से जो आंदोलन हुआ था, जो लड़ाई की गई थी, उसको समर्थन मिला था लोकल यहां दिल्ली के मदरसाओं से। और वही चीज हमको देखने को मिलता है कि फिर आगे चलते रहते हैं, ट्रेडिशन चलता रहता है। 1916 में हमको देखने को मिलता है कि काबुल में एक स्वतंत्र भारत का अनाउंसमेंट होता है, वो दारुल उलूम देवबंद के जो लोग हैं वहां जाके वो लोग ऐलान करते हैं, जिसके बारे में जुलाई 1916 में हमको मिलता है, जिसके रेफरेंसेस मिलती हैं। 1926 में जमायते उलेमा हिंद कलकत्ता में उसकी गोष्ठी हुई थी, वहां पे पूर्ण आजादी की आवाज उठाई गई थी जो सबसे पहले है। तो ये जो धारणा है कि मदरसा मतलब एक तरह से कंजर्वेटिव सोच को प्रोपगेट करता है, वो दरअसल गलत है। असल में मदरसाओं का धर्म के अंदर रहते हुए भी बहुत ही राजनीतिक तौर पर प्रोग्रेसिव विचार थे उनके, और उन्होंने बहुत सही डिमांड समय समय पे किए थे। जी, इन सब चीजों के बारे में आपने कितना क्या पढ़ा है, जरा उसके बारे में बताएंगे हमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जो मदरसा जो है ये एक अरबी वर्ड है, मदरसा जो है एक अरबी वर्ड है, और ये अरबी वर्ड का जो रूट वर्ड है उस रूट वर्ड है दरस वर्ड से बना हुआ है, और इसका मतलब होता है कि एजुकेशन देने की जगह को हम मदरसा कहते हैं, यानी जहां पे आपको शिक्षा मिले, जहां पे आपको तालीम मिले, जहां पे आपको दर्स मिले, उसको हम मदरसा कहते हैं। यानी मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मदरसा का किसी ये खास धर्म से, किसी ये खास कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी जगह तालीम को, इल्म को, नॉलेज को स्प्रेड करे, उसी को हम मदरसा कहते हैं। ये बाद के दिनों में मदरसा को मुसलमानों से, मदरसा को इस्लाम से, मदरसा को कट्टरवाद से इसको जोड़ दिया गया। और एक बात और भुला दी जाती है कि मदरसा में जो पढ़ाई ट्रेडिशनली जब होती थी, पहले जब पढ़ाई मदरसा में दी जाती थी, तो उसमें दीन की तालीम यानी धर्म की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, जिसमें मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको गणित विज्ञान है, जिसके अंदर में आपको साइंस है, जिसके अंदर में आपको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की सारी पढ़ाई होती थी, यानी एक टर्म है असरी तालीम, यानी कंटेम्पररी नॉलेज को कभी भी दीनी नॉलेज से कभी भी अलग नहीं किया गया। और हाल के दिनों तक, राष्ट्रीय आंदोलन तक, आप पाएंगे कि मदरसा में हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और विभिन्न धर्मों के लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे पढ़ते थे, वहां वो नॉलेज लेते थे, और उसका किसी खास धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था। और आपको मैं अपने आर्टिकल में भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि राजेंद्र प्रसाद
जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें, जिसको एनबीटी ने पब्लिश किया है, आप उसको खरीद सकते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट में वो किताब है, राजेंद्र प्रसाद एंड ऑटोबायोग्राफी, उस किताब के चैप्टर नंबर 3 में एक उन्होंने एक जिक्र बयान किया, एक पूरा चैप्टर ही उन्होंने मौलवी साहब के ऊपर लिखा है, मौलवी साहब चैप्टर नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, और उन्होंने ये बात कही कि जो अल्फाबेट्स हैं, जो पढ़ने लिखने का जो सिलसिला था उसको सबसे पहले एक उनके मौलवी साहब थे, उन्होंने उनको सिखाया, और उनके घर में यही परंपरा है कि जब भी कोई बच्चा पहली बार, आजकल हम ABCD सीखते हैं, तो उसी तरह से जो भी बच्चा जो है पहली बार जब लेटर सीखता है, चाहे ABCD सीखे, तो मौलवी साहब आके उसको सिखाते थे, और राजेंद्र बाबू जैसा ब्रिलियंट व्यक्ति वो मदरसा जाता है, वो मकतब जाता है, और वहां से उन्होंने पर्शियन जबान जो है, पर्शियन जबान उसी मौलवी साहब से सीखी, और उन्होंने ये बात लिखी है कि जो पर्शियन जबान के जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर थे उसको उनको मौलवी साहब ने पढ़ाया, और चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 8 पे वो लिखते हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि जब वो अपने आबाई वतन यानी अपने घर से जब वो छपरा आए तो मौलवी साहब से उनका रिश्ता टूट गया, और बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही मोहब्बत और प्यार से, खुलूस के साथ वो उस मौलवी साहब को याद करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह से कि राजेंद्र बाबू जिनको शब्दों को सिखाया किसी मौलवी साहब ने, राजेंद्र बाबू को पर्शियन पोएट्री सिखाया किसी मौलवी ने, वो एक मकतब में गए, जब राजेंद्र प्रसाद मकतब में जाने के बाद वो देशद्रोही नहीं बन पाए, वो हिंदू मुखालिफ नहीं बन पाए, तो कैसे बीजेपी के लोग इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं? भारत जैसे इतने मतलब बड़े लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बातें करता है, और उसके बाद सारी मीडिया उसके पीछे दौड़ जाती है, पूरी तवानाई एनर्जी खत्म हो जाती है, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और एक बात मैं और सर आपसे कहना चाहता हूं कि जब गांधी जी 1917 में जब वापस आए और चंपारण का दौरा किया और गुजरात भी गए और जगह पे भी गए, और चंपारण से ही मेरा भी संबंध है, बिहार के चंपारण से मैं हूं, किसानों की जब समस्या सुनी, तो उसके बाद से महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसको बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि गांधी के आने के बाद से जो एक मास पॉलिटिक्स थी, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में इतनी बड़ी तादाद में लोग जो आए और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके जुल्म और जाति के खिलाफ सड़कों पे उतरे, नौजवान नौकरी करने वाले लोगों ने अपने सर पे कफन बांध के सामने आए, उसके पीछे खिलाफत आंदोलन और उसके पीछे असहयोग आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। और नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, गांधी जी इतना बड़ा आंदोलन इसलिए भी बना पाए कि उनके साथ जमीयते उलमा हिंद, जो कि सन 1919 यानी आज से तकरीबन 100 साल पहले उसका जब गठन हुआ था, उसकी जब तश्कील हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया, और देवबंद मदरसा जो है, देवबंद जो स्कूल है, सेमिनरी है, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, जब अंग्रेजों ने 1857 के जो गदर था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी कई अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जब अंग्रेजों की सत्ता के ऊपर जब एक आखिरी कोशिश हुई कि उनको भगा दिया जाए, लेकिन अंग्रेज कामयाब हो गए उस आंदोलन को दबाने के बाद, तो यहां से बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स दिल्ली को छोड़ के ये दूर इलाके में चले गए, सहारनपुर चले गए, और वहां पे बहुत ही कम रिसोर्सेस के साथ उन्होंने 1866 में एक छोटा सा मदरसा का नाम, मदरसा की तश्कील दी, उसको एस्टेब्लिश किया, और ये मदरसा आज पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है, और लोग नहीं इस बात को जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को नहीं बताती है कि दारुल उलूम देवबंद का नाम पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया से बच्चे यहाँ पे तालीम लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, और दारुल उलूम देवबंद को इस्लाम के क्षेत्र में, इस्लाम के हलके में एक रहनुमाई करने का एक रोल उसको मिला हुआ है। अगर कोई मानना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग
बहुत उम्मीद की निगाह से देवबंद स्कूल को देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जी कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के रोल को और देवबंद के रोल को जो फरामोश कर रहा है वो शहीदों की विरासत को भूलना चाहता है। जी, आपने जिक्र किया था असहयोग आंदोलन और उसी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन, वो दोनों का एक तरह से साथ में बिल्कुल मिश्रण किया था। गांधी जी की वो स्ट्रैटेजी थी, एक तो आपने सही कहा कि मास मूवमेंट बनाने में सबसे पहले उनकी उनकी ये इनिशिएटिव थी कि जो जो उस समय जो कानून आए थे जो पहले महायुद्ध के बाद विश्व महायुद्ध के बाद उसको लेके आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने फायर कर दिया और उसके बाद एक जो गुस्सा है उसको चैनलाइज किया। मुसलमानों की तरफ से जो खिलाफत आंदोलन में ऑलरेडी वहां पे जो 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 खलीफा के सीट के एबॉलिशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उसकी लीडरशिप यहाँ क्या मदरसाओं से थी और वो एक तरह से ओवरलैप हो गया नेशनल मूवमेंट के साथ उस समय, क्या ये कहना ठीक होगा? देखिए, खिलाफत आंदोलन को लेके इतिहासकारों के बीच में बहुत सारे विवाद हैं और हम किसी और मतलब डिस्कशन में इस बात को लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों के अंदर में भी एक तबका था जिसको लग रहा था कि जो खिलाफत का जो दौर था या जो उसका रेलेवेंस है वो मॉडर्न टाइम में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है और इसके ऊपर खिलाफत को बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के एक तूल देना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, दक्षिण पंथी जो इतिहासकार हैं वो गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन को रिजेक्ट करने के लिए, यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने गांधी जी ने जो था ये खिलाफत आंदोलन के साथ मुसलमानों की तुष्टिकरण करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सर कि खिलाफत आंदोलन को आप क्या समझते हैं, कैलिफेट को इस्लाम में आप कितनी जगह देते हैं, कैलिफेट का मॉडर्न सोसाइटी में कितना बड़ा रोल है, ये विषय जो है इस पे विवाद बना रहेगा, बनेगा, लोगों की अलग अलग राय रहेगी। लेकिन गांधी जी ने जो उस वक्त किया वो गांधी जी ने कोई अपीजमेंट मुसलमानों की नहीं की। एक बात आप समझा सकते हैं कि मदरसाओं से जो जो तालीम दी जाती थी, जो सोच लेके मदरसाओं से निकलते थे, वो मुस्लिम लीग की टू नेशन थियरी और जो अल्टीमेटली जाके लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के दशक में जिसको पहले पास किया गया और उसके बाद उसको सपोर्ट किया गया मुसलमानों की तरफ से जिसके चलते पार्टीशन हुआ, उसको कितना समर्थन ये जो एस्टेब्लिशमेंट मदरसाओं का और जो पूरा का पूरा जो पूरा जो मदरसाओं का इकोसिस्टम है उसमें से कितना समर्थन मिला था और उसके खिलाफ कितने लोग। बिल्कुल, आपके सवाल का मैं 30 सेकंड के बाद जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा था कि 1857 के बाद दो तरह के धड़ल्ले हो गए। एक को लगा कि हमें अभी हालात को देखते हुए अंग्रेजी तालीम मॉडर्न एजुकेशन के तरफ, उसकी नुमाइंदगी जो थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सैयद अहमद खाने की, जहां पे रैशनैलिटी, जहां पे अंग्रेजी तालीम, जहां पे अंग्रेजों से कुछ सीखने का एक जज्बा था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसको लगा कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो अंग्रेजी हुकूमत न सिर्फ एक कॉलोनियल सिस्टम है बल्कि ये मुसलमानों के दीन, उनके धर्म, उनके कल्चर पे भी बहुत बड़ा हमला है, इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजों से अपनी दूरी अख्तियार की। तो आप देखेंगे सर कि 1860, 70, 80, 90, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंचुरी आई उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आप देखेंगे कि इस तरह के दो कैंप थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत और वेस्टर्न पावर ने जिस तरह से अपनी साम्राज्यत, अपने इंपेरियलिज्म पॉलिसीज को दिखाई और जिस तरह से उसके बाद फिलिस्तीन का भी मसला सामने आने लगा, जिस तरह से और भी इंटरनेशनल लेवल पे जुल्म और ज्याती कॉलोनियल पावर की तरह से हुई, उस वक्त मुसलमानों के बीच में ये राय ज्यादा बनने लगी कि अंग्रेजी हुकूमत से कोई उम्मीद रखना वक्त की बर्बादी है। और देखते देखते 1920 के करीब में हवा बिल्कुल बदल गई और लोग गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आने लगे। और एक बात भूल जाते हैं हम लोग कि इसी आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से 1920 के करीब में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ के और अलग अलग इदारों को छोड़ के
एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गांधी जी की थी उसको फॉलो करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो कि आज जामिया यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। यानी 1920 के बाद थोड़ा भी कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं था मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कि ये जो कॉलोनियल पावर है इससे हमें लड़ना है। उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमें नहीं जाना है। इसीलिए मौलाना आजाद और बाकी लीडर कांग्रेस के साथ आए, और उसके बाद से मुसलमानों का जो रिलीजियस तबका था उन्होंने हमेशा से टू नेशन थियरी और जो आपको जो अलगाववादी जो टेंडेंसी जहां कहीं भी था उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया, और राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी की जो लीडरशिप थी उसको उन्होंने चैंपियन किया, और पाकिस्तान और जीना और मुस्लिम लीग के साथ वो नहीं गए। मुझे मुझे एक चीज समझाइए, हम लोग थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे क्योंकि हमारे कार्यक्रम का शेष भाग शुरू हो चुका है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मासेस खासतौर पर वो लोग जो मदरसा के जो इकोसिस्टम से उभर के आ रहे थे वो लोग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूरी तरह थे, गांधी जी के साथ पूरी तरह से थे, मुस्लिम लीग का जो टू नेशन थ्योरी था उसके समर्थन में कभी नहीं रहे। फिर सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में उस समय चुनाव जो होते थे हम लोगों के सेंट्रल असेंबली के या फिर प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो 1909 से मुरली मिंटो रिफॉर्म्स के बाद से सेपरेट इलेक्टोरेट था कि हिंदुओं के लिए अलग इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट, इस तरह से अलग अलग इलेक्टोरेट थे। क्या वजह है कि प्रोग्रेसिवली मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम सीट्स थे उनमें मेजॉरिटी मिलने लगी, और फाइनली जाके 1946 में जो चुनाव हुए थे जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें से उभर के आई, तो सारे के सारे जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थे उसमें मुस्लिम लीग को समर्थन मिल गया। तो क्या हम ये मानेंगे कि जिनकी मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों का वोट था मुस्लिम इलेक्टोरेट में, उस समय तो यूनिवर्सल सफरेज होती नहीं थी हिंदुस्तान में, एलीट को मिलता था और एलीट का नापा जाता था कि किसके पास कितना पैसा है, तो जो मुस्लिम एलीट था उस समय जो वोट देते थे, जिनके पास वोट देने की क्षमता थी, वो मुस्लिम लीग के साथ थे लेकिन वो मदरसा के इकोसिस्टम से बाहर थे। जो प्रोलिटेरियन मुसलमान है, जो 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 गरीब तबके के मुसलमान है, वो मदरसा इकोसिस्टम में वही जाते थे, वही पढ़ाई वही करते थे। जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सबसे पहली बात तो ये है कि उस जमाने में जब चुनाव होते थे, जो इलेक्शंस होते थे, उसका दायरा बहुत ही कम था, वहां पे प्रॉपर्टी एक कंडीशन बहुत ही छोटा सैंपल होता था, मतलब मुश्किल से कुछ ही चंद उंगली में गिन सकते हैं आप इतने परसेंटेज लोगों के मतलब वोटिंग राइट। मुसलमानों को देश के पार्टीजन के लिए जिम्मेदार ठहराना ये भी जो है वो सही बात नहीं है। मुझे लगता है सर कि जो पार्टीशन को या जो फिर विभाजन को हम कभी कभी क्या होता है कि कभी मुस्लिम लीग को ब्लेम करते हैं, कभी हमको लगता है कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, या कभी किसी एक इंडिविजुअल को हम दोषी बना देते हैं, विलन बना देते हैं, और उसके बाद हमको लगता है कि पार्टीशन का एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं समझता हूं, और ये बात बहुत हद तक मुझे मौलाना आजाद की राइटिंग्स जो है इंडिया विंस फ्रीडम से बात आती है, कि अगर अल्पसंख्यकों के अधिकार को अगर राष्ट्रीय आंदोलन ने अगर सही तरीके से हल कर लिया होता तो ये जो है पार्टीशन जो है वो रुक गया होता। अब मैं जब अल्पसंख्यक कह रहा हूं, जब माइनॉरिटी कह रहा हूं सर, तो उसको आप कभी भी बहुत ही लिमिटेड सेंस में उसको मत देखिए कि माइनॉरिटी का मतलब है कि अरे मुसलमानों के लिए कुछ सीटें दे दी गई होती, अगर उनको बहुत ही मुंह भराई उनकी कर दी गई होती, उनका अपीजमेंट हो गया होता तो देश नहीं बढ़ता। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटी का, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में, उसमें माइनॉरिटी एक बहुत ही वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके मतलब है कि जो भी वंचित व्यक्ति है, जो भी पावर से बाहर है, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो हुआ क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ, और 1920 में गांधी जी की तहरीक जैसे ही आगे बढ़नी शुरू हुई, उसी जमाने में हमें नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस नाम का संगठन भी 1925 में वो आता है, और हिंदू महासभा एक ऑलरेडी एक पावरफुल संगठन वहां पे थे। यानी अंग्रेजों के जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज को हम हिंदुस्तानियों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे, आरएसएस के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, वो जाने अनजाने में लोगों को बांट रहे थे।
अब मैं आपको एक नेहरू जी का एक लेख है जो उन्होंने ट्रिब्यून अखबार में 1933 में लिखा है, और सांप्रदायिकता की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी के विरोध में हैं, और वो कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंग्रेजों का विरोध करती है और हिंदू और मुसलमान की यूनिटी की बात करती है, ये कांग्रेस गलत काम कर रही है। तो मेरा मानना यह है कि पार्टीशन इसलिए हुआ क्योंकि धीरे धीरे एक जो सेकुलर ताकतें थी उसको कमजोर करने के लिए बहुत ही फ्रंट पे साजिश की गई। देश इसलिए बटा क्योंकि सेंटर, स्टेट, माइनॉरिटीज के अधिकार, इसको जितने तरीके से हल करना चाहिए था वैसा हल नहीं हो पाया। अभय जी, हम लोग थोड़ा सा जो हमारा जो केंद्र बिंदु है आज के डिस्कशन का, थोड़ा सा उसमें हम लोग डाइग्रेस करके चले गए। मैं आपको दोबारा से उस मुद्दे पे लाऊंगा जो मेरा सवाल था कि हम बात करें मदरसाओं की। मदरसा का इतना एक सेक्युलर बेसिस होने के बावजूद कि वो टू नेशन थियोरी को सपोर्ट नहीं करते थे, मुस्लिम लीग को जो एलीट था उसका वोट आता रहा जिसकी वजह से मुस्लिम में सीट्स में उनको मेजॉरिटी मिलती रही। तो मेरा पॉइंटेड सवाल था कि क्या मुस्लिम एलीट मदरसाओं से के इकोसिस्टम से बाहर था, और अगर था तो वो अपनी तालीम कहाँ हासिल कर रहे थे? इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? मुसलमानों के बीच में जो एलीट जो तबका था वो ज्यादातर मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता था, और मुस्लिम लीग में जो जमींदार जो लोग थे उनका समर्थन मुस्लिम लीग के साथ ज्यादा था। और 1945-46 के बाद से जो कैबिनेट मिशन जब फेल हुआ उसके बाद से ये चीज सामने आ गई कि मुल्क अब बट के ही रहेगा, तो जो एलीट तबके थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कि एक नया राज्य बनेगा, एक नया स्टेट बनेगा, तो हमको पावर मशीनरी में कुछ हिस्सा मिलेगा, तो इसकी वजह से वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ चले गए। मुस्लिम और बहुत लोगों ने अपना ईमान और अपनी जो लॉयलिटी थी वो फौरन बदल भी ली। एक सत्ता के साथ एक एडजस्टमेंट करने का जो मिडिल क्लास का जो एक नेचर होता है ये होता है। आपने कहा कि मदरसे पे हमें बात करनी चाहिए, बस 2-3 मिनट में फिर से मदरसे के बारे में मैं कह दूं कि इस देश में जो मदरसा है इसका जो रोल है वो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही अहम है। इसके बारे में अभी तक जो मेन स्ट्रीम के इतिहासकार हैं उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, और जो इस्लामोफोबिक डिस्कोर्स है सर इसके असर में आके बीजेपी और आरएसएस के लोग उनको टारगेट करते हैं। अब आप पूछेंगे सर कि ये इस्लामोफोबिया होता क्या है, ये इस्लामोफोबिया को हम डिस्क्राइब कैसे कर देंगे? मैंने उसी पे काम किया है। इस्लामोफोबिया का मतलब है, कैसे आप पता करेंगे कि आप इस्लामोफोबिक है? अगर आपने इस्लाम को बाकी दूसरे धर्म और मजहब या मुस्लिम सोसाइटी को बाकी दूसरे धर्म और मजहब से बिल्कुल अलग करके उनको बिल्कुल ही एक तरह का ऐसी वस्तु बना दी, एक डर का विषय बना दिया, उसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। यानी मदरसा में कहीं भी इस्लाम नहीं जुड़ा हुआ है, यानी तालीम देने की जगह, शिक्षा ग्रहण करने की जगह है मदरसा। लेकिन कहा यह जाता है कि सिर्फ मदरसा में ही देशद्रोही कार्रवाई होती है, मुसलमान लोगों के बीच में, मुसलमान समाज के बीच में वर्किंग क्लास का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत सारे मुस्लिम लीडर आए हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को कहा जाता है ये सोसाइटी रिलीजियस है, ये सोसाइटी फैनेटिक है, ये सोसाइटी एंटी वीमेन है, ये सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है, ये सोसाइटी देशद्रोही है, ये सोसाइटी साइंस के खिलाफ है, ये सोसाइटी आगे नहीं बढ़ना चाहती है, ये सोसाइटी मुल्क को पीछे लेके जाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरे जो सोसाइटीज में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर बात नहीं होती है। यानी ट्रिपल तलाक का इशू सिर्फ मुसलमानों का है, पर्दा पर्दा आपको छुआछूत इस पे बात नहीं होती है। और जब वाजपेयी जी भी जब 2003 में आए थे उस जमाने में भी जो वार ऑन टेरर की जो आपने बात की उसके इन्फ्लुएंस में आके इन लोगों ने मदरसा के ऊपर बहुत ज्यादा धर पकड़ उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आज तक कुछ भी मदरसा के बारे में जो है कुछ भी साबित नहीं हुआ। सर मैं मदरसा गया हूँ, मैं मदरसा को देखा हूँ। अभी कुछ महीने पहले मैं नदवा जो कि 19 सेंचुरी में उसकी स्थापना हुई थी पूरी दुनिया में नाम है, नदवा में सर मैं नदवा गया और नदवा में घूम के आया। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आज मदरसा को जरूरत है कि आप उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करें,
आज मदरसा को जरूरत है कि आप उनके लिए स्कूल और बिल्डिंग दें। आज मदरसा को जरूरत है कि आप उनको कंप्यूटर और इंग्लिश और मैथ के टीचर्स को देने के लिए आप उनको हेल्प करें, क्योंकि माइनॉरिटीज को अगर आप एजुकेशनली बैकवर्ड रखेंगे देश आगे नहीं जाएगा। मैंने पाया सर नदवा में एक एक कमरे में 5 और 6 बच्चे रह रहे थे, उनके पास उनको नाश्ता सवेरे नहीं मिलता है। और आप ये बात मतलब बहुत फोर्सफुली आप कह रहे हैं कि मदरसाओं को डीमोनाइज नहीं करना चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मदरसाओं से जिस तरह से कई दशकों से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी मदरसाओं से जिस तरह से नेशनलिस्ट मुसलमान निकलते आए हैं, उसी किस्म के लोग निकलें और हमारे नेशनल स्ट्रीम में शामिल हो जाएं, उसके लिए मदरसा सिस्टम को समर्थन देने की जरूरत है। इस तरह से राष्ट्रीय लेवल पे डीमोनाइज नहीं करना चाहिए। आमतौर पे अभय जी क्या होता है कि जब भी हम मुसलमानों के रिलेटेड बातचीत करते हैं या कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज को ज्यादा समझना चाहते हैं हमारे चाहे कार्यक्रमों के द्वारा या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनमें जिनसे हमारी चर्चा होती है या जिनको हम कोट करते हैं वो मुसलमान होते हैं। आपसे बात करके हमको ये बहुत अच्छा लगा कि उनकी इकोसिस्टम के बारे में समझाने के लिए कोई जरूरी नहीं है किसी को कि इस्लाम में विश्वास रखना पड़े, ठीक उस तरह से कि कोई किसी को भी जरूरत नहीं है कि हिंदू हो और वो भी सनातनी हिंदू हो, हिंदू धर्म के बारे में समझाने के लिए हिंदू इंस्टीट्यूशंस का क्रिटिक करने के लिए आपको किसी को जिस तरह से सनातनी होने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से आपको कट्टर मुसलमान होने की जरूरत नहीं है अगर आप मदरसाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं और उसको लोगों को समझा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा तो उनको मदरसाओं के बारे में कई अपने किस्म के भ्रम खत्म किए हुए होंगे और उनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिली होगी कि मदरसा दरअसल कोई एंटी नेशनल या फिर टेररिस्ट मेकिंग फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एजुकेशन और नेशनलिस्टों को जैसे हमेशा से होता आया है उस तरह से वहां से निकलने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं और इनको नर्चर करना बहुत जरूरी है। अभय जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू सर।